सो हे व्हाट्सअप गाइज, वेलकम टू माई चैनल टू सक्सेना। सो गाइज, अभी हम कर रहे हैं अपनी ड्रीम राइड स्टार्ट, स्पीति विंटर एक्सपीडिशन। गाइज बाइक पूरी चमक रही है, देखो कैसा है। तो ये रहे हमारे गावा जी, अंधेरे में दिख भी नहीं रहे। लाइट वाइट जलाए थे, भैंस क्या कमाया था। तो सो गाइस, सीन कुछ ऐसा है, अभी मैं जा रहा हूँ चंडीगढ़, एक मेरा फ्रेंड रहता है वहाँ पे, तो वहाँ पे उसके घर पे स्टे करूँगा। और सीन ये भी है कि ना, कल जिन बंदों का मैं जा रहा हूँ, 6 राइडर्स हैं वो देहरादून से आ रहे हैं, तो मैं उन को हम मिलेंगे चंडीगढ़ में। तो हम जहाँ पे हम सब का पॉइंट इंटरसेप्ट होगा ना, तो वहाँ मिलेंगे हम। तो फुल रेडी हूँ, बिल्कुल फुल सब कुछ, लगेज वगैरह सब कुछ रेडी। बस गुड़गांव से निकल रहा हूँ मैं अभी, दिल्ली फिर चंडीगढ़ नॉन स्टॉप 315 किलोमीटर। आप जी नशे में हो? सो गाइज, वी हैव स्टार्टेड आर राइड और अभी हम राजीव चौक गुड़गांव हमने क्रॉस कर लिया है। अभी सबसे पहले हम पहला फ्यूल टैंक कराएंगे, देखेंगे कितने का आएगा फ्यूल। अब पूरा टैंक फुल होएगा, फिर हम चंडीगढ़ जाके कराएंगे सीधा फुल। इसकी एवरेज लगभग 35 से 40 आएगी इस बाइक की पर लीटर। तो 10 लीटर का इसका टैंक है, तो समथिंग अराउंड ये चल जाएगी 401 लीटर पे। सो 10 लीटर में फुल, मतलब एक फुल टैंक में, तो हम इसको 300-350 में फुल करा लिया करेंगे। बस भाई कर दो, हो गया। सो गाइस, पहला फ्यूल टैंक हुआ है 713 रुपये का, कट पे लगा लिया। और हमने यहाँ से ट्रिप जीरो भी कर रहा हूँ मैं, ट्रिप हो गई जीरो, ट्रिप टू भी जीरो कर देता हूँ, दोनों ट्रिप जीरो हो गई। ठीक है, चलते हैं अब यहाँ से। गाइस यार, दिल्ली टू गुड़गांव ना पूरा जाम रहता है, मैं बहुत ज़्यादा। पर बाइक पे ये है कि साइड से निकाल लेते हैं, पर अब मेरी बाइक पे साइड में बैग वगैरह लगे हुए हैं, तो थोड़ा मेरे को देख के निकालना पड़ रहा है काफ़ी, तो थोड़ा मैं आराम से ही चला रहा हूँ। सो गाइस, अभी हम दिल्ली कैंट पहुँच चुके हैं, अब यहाँ से सीधा निकलेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंटर से, और रिंग रोड पकड़ के फिर वहाँ से लेफ्ट जीटी करनाल हाईवे। गाइस देखो, भैंस के चर्च वाले बंदे, मतलब क्रिश्चियंस लोग क्या कर रहे हैं, मतलब मुझे नहीं पता कोई फेस्टिवल होगा इनका। सो गाइस, दिल्ली के बिल्कुल एंड में आ गए, यहाँ से लेफ्ट मुड़ के जीटी करनाल हाईवे आ जाएगा। बस ये कितना दिखा रहा है, 300 मीटर, वहाँ पे सामने दिख भी रहा हूँ आपको बोर्ड पे। यार दिल्ली क्रॉस करने में ना, मतलब 1.5 घंटा लग गया मैं इसके, यहाँ बहुत ट्रैफिक था यार दिल्ली में, मतलब इतना नहीं था ट्रैफिक पर टाइम तो लग ही गया। अगर मैं KMP से जाता हूँ शायद 1.5 घंटा मुझे यहाँ लगा है, मैं 2 घंटे में ना, मैं 2 घंटे में वहाँ भी पहुँच जाता मूर्थल, अगर मैं उधर KMP से जाता। बट KMP भी ना रात को सेफ़ नहीं है, दिक्कत ये है, एक तो वहाँ पे ट्रक बहुत ज़्यादा चलते हैं, और दूसरी बात शायद अंधेरा हो जाता तो भाई किसी का कुछ नहीं पता, वहाँ पे लूटपाट हुए शायद, भाई कुछ नहीं पता ना। तो बस हम चलते जाएंगे अपने रास्ते से ही। सो गाइस, मूर्थल तक थोड़ी दिक्कत है, मूर्थल से थोड़ी सी और आगे तक ट्रैफिक की, भाई दिल्ली के बाद भी ट्रैफिक भाई, इसका मतलब खाली हो जाएगा, पर ट्रैफिक है ही। अभी भी यहाँ से दिखा रहा है आपका कितने किलोमीटर है, 354, मतलब 3 घंटे 54 मिनट और 221 किलोमीटर। पानी वाला बंदा मैं। अंदर नहीं जाना, पानी लेना मुझे, पानी लेना, पानी कहाँ पे, इन पे भी नहीं मिलेगा, बाहर बाहर नहीं मिलेगा, मन्नत में। सो गाइस, फाइनली वी हैव रीच्ड मूर्थल, अभी हमने बाइक लगाई है मन्नत ढाबे, हम खा नहीं रहे बस, बस पानी वगैरह लेंगे सामान। तो ये रही अपनी बाइक। तो गाइस, अब ये पहला आप देख रहे हो स्टॉप हमारा लाइट में, वरना अंधेरे में गावा जी के वहाँ पे मैंने आपको दिखाया था। भाई दिल्ली से यहाँ तक रूट ना बहुत ख़राब है, बहुत ज़्यादा, मतलब मिट्टी मिट्टी बहुत ज़्यादा, सारी जैकेट ना गंदी हो गई, बिल्कुल नहीं नहीं जैकेट। भाई बाइक देखो पूरी लगेज रेडी, फुल लोड है अपनी बाइक, वैसे लग ही नहीं रही आजकल सब, तो कितना सामान लोड है बाइक पे देखो। तो गाइस आज है 5 नवंबर, अभी रात के 10 बज रहे हैं भैंस की आँख, और देखो अंधेरा अंधेरा सा है मन्नत पे, तो शायद अंदर जाना पड़ता हूँ। पर आज सैटरडे की वजह से बहुत भीड़ है, पहले मैं गुलशन ढाबे पे गया था तो वहाँ बहुत भीड़ थी, तो अभी मेरे को ना चंडीगढ़ जाना है नॉन स्टॉप, वहीं पर जाके भाई के तुषार भाई के पास जाके वहीं पर खाना खाऊँगा, वहाँ पे उन्होंने मंगा रखा है खाना वाना, तो वहीं पे खाएंगे फुल सीन, वहीं मनाएंगे, क्योंकि ना अभी बिल्कुल वैसे भूख भी नहीं लग रही यहाँ पे खाने के लिए ना,
अब चंडीगढ़ यहाँ से समथिंग 4 घंटे का रास्ता है, 3.5-4 घंटे का। तो अब खैचम का अब रास्ता भी ना मस्त आएगा, रोड बिल्कुल मस्त। भाई सपोर्ट करना भाई को, बिल्कुल मेरे को पूरा सपोर्ट करो भाई, चैनल पूरा बढ़िया चलवाओ। अब मैं स्पीति राइड करके कम से कम अच्छे सब्सक्राइबर बनाओ, और उसके बाद रेगुलर ट्रिप मारूंगा मैं, रुकना नहीं है मुझे, ट्रिप ही ट्रिप मारने। हो सकता है मैं गोवा भी मारूं उसके बाद, और लंबे लंबे जितने भी ट्रिप हो सकते हैं। एक्सपल्स बस साथ ना छोड़े हमारा। तो गाइस अभी हम पहुंचे, मूर्थल वाले टोल प्लाजा पे। वैसे कभी बैल गया जाता, बाइक का शायद साइड से था, मैं ध्यान नहीं दिया, लग जाता ऊपर। भाई मैंने ना ग्लव्स डाल लिए अपने, ये वो वाले ग्लव्स हैं माइनस टेम्परेचर वाले, स्पीति वाले। अभी मैंने नए लिए थे, बिल्कुल नए हैं, मतलब 3000 MRP 2800 के लगाए थे। भाई बिल्कुल पता ही चल रहा बाहर का इस वाले ग्लव्स पहनने के बाद, तो कि बाहर कुछ है भी। सही है ग्लव्स, मतलब मज़ेदार है ग्लव्स पहन के, थोड़ा चलाने में कंफर्टेबल तो लग रहा है मुझे, पर सही है ग्लव्स है, ज़रूरी है। सो गाइस हमें पानीपत से थोड़ी पहले बहुत बस तो जाम मिल चुका है 10-15 मिनट का, बट हमारे को बाइक का थोड़ा सा फ़ायदा हो जाता है, हम साइड से निकाल के ले जाते हैं, पर हमारी बाइक भी गाड़ी जितनी बड़ी हो चुकी है, थोड़ा देख के चलाना पड़ रहा है। और पता नहीं ग्लव्स ना थोड़े अजीब से दिक्कत दे रहे हैं मुझे, ये वाले ग्लव्स। वैसे तो ठीक है, ठंड नहीं लग रही इसमें, पर ना छोटी वाली उंगली में छोटा आ रहा है ग्लव्स, छोटी वाली उंगली में बहुत दिक्कत हो रही है, दर्द हो रहा है छोटी उंगली में। तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं पानीपत टोल प्लाजा, यहाँ तो भाई भीड़ हो रही है, पर हमारे लिए तो क्या भीड़ होगी, साइड से निकाल के ले जाएंगे क्योंकि हमें बाइक वाले। सिद्धि विनायक बस का नाम है वैसे, कर्नाटका चाहिए। सो गाइस जस्ट अभी करनाल वाला टोल प्लाजा पार करा है। सो गाइस अभी हमने स्टॉप लिया था मन्नत हवेली पे, जस्ट फ्रेश व्रेश होने के लिए। सो गाइस अभी बज रहे रात के 1:30, और अभी यहाँ से 89 किलोमीटर जहाँ पे मुझे जाना है चंडीगढ़ में तुषार भाई के पास। भैंस क्या, मतलब थकावट तो फील नहीं हो रही, पर लंबा ट्रिप तो है, मतलब मज़ा भी आ रहा है। बाकी बंदे भाई जो देहरादून से आ रहे हैं, सुबह सुबह 5 से 6 बजे देहरादून से निकलेंगे, तो यहाँ पे मेरे ख्याल से चंडीगढ़ के नियर वो 10 बजे के आसपास ही पहुँचेंगे, तो जब उनको कॉन्टैक्ट करेंगे 10 बजे के आसपास। सो गाइस अभी हम पहुँचे हैं अम्बाला, और यहाँ से अभी रह गए 56 किलोमीटर रह गए। राइड करने में पता नहीं चल रहा कुछ भी, मतलब इजी लग रहा है सब कुछ, क्योंकि मैंने ना वो लगा रखा है इंटरकॉम और उसमें गाने चला रखे हैं, और मैं पहले पॉडकास्ट देख रहा था तो मज़ा आ रहा था, मतलब पता ही नहीं चल रहा टाइम का तो कुछ भी। पर जो टाइम गूगल दिख रहा था ना उससे ज़्यादा टाइम लग गया, क्योंकि मैं 60-70-80 तक ही चला रहा हूँ, ज़्यादा भगा ही नहीं रहा बाइक। भाई ये चंडीगढ़ वाला टोल आया है, ये आया है, नाम तो उसमें लिखा नहीं है टोल का, अम्बाला चंडीगढ़ टोल आया है। पर यार दिक्कत पता है क्या है, ये ना गूगल मैप उल्टे सीधे रास्ते दिखा रहा है, मैं इसके आप ऐसे रास्ते दिखा रहा है भाई, बस आपको क्या ही बताऊँ यार, दिमाग ख़राब कर दिया इसने गूगल मैप ने। सो गाइस अभी हम ना मोहाली में चल रहे हैं, और यहाँ से मनाली कुछ सॉरी चंडीगढ़ थोड़ा सा रह गया है 10-1 किलोमीटर, और जहाँ पे हमें जाना है ना भाई के घर, उसका रह गया है देखता हूँ मैं, उसका 18 किलोमीटर रह गया शायद, 17 किलोमीटर रह गए और 20 मिनट का रास्ता है। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुषार भाई के फ्लैट पे, यहाँ से 2 मिनट का दिखा रहे हैं, मतलब आगे से 200 मीटर बाद लेफ्ट दिखा रहा है। तो गाइस ये तुषार भाई के अपने ये रहे नीचे आ गए लौंडा में, इसके पूरी रात सोया नहीं। बैठो बैठो, कहाँ पे लगानी है? हाँ ये वाली बाइक के आगे, यहाँ पे। सो गाइस फाइनली हम पहुंच चुके हैं तुषार भाई के फ्लैट पे, तो भाई तुषार भाई ने भाई बहुत अच्छा लगा तुल भाई आप आए, पूरी रात भाई जगा रहा यार, भाई तो 3 बज चुके हैं, 3:15 हो गए, बल्कि 3:30 होने वाले हैं अभी, तो लगेज वगैरह भी उतारना बहुत टाइम लगेगा। लग रहा था आसान है बट बहुत मुश्किल है भाई, 280 किलोमीटर समथिंग है यहाँ पे, 280-290। तुषार भाई कैसे वैसे कैसे आते हो आप यहाँ पे? बहुत तगड़ा मत लग गई कमर की 8 बजे निकला हूँ अब पहुँचा 7 घंटे लग गए बट मज़ा भी आया, बहुत मज़ा भी आया। चलो अब चलते हैं अंदर तुषार भाई के फ्लैट पे।